हेलो स्टूडेंट बच्चों, हम लोग लास्ट वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन इनवर्स से साइन एक्स कैसे स्प्लिट करते हैं ये सीखा था। तो हम लोग बच्चों इस वीडियो में सीखेंगे कॉस इनवर्स से कॉस एक्स को कैसे स्प्लिट किया जाता है। तो बच्चों कॉस इनवर्स को कॉस एक्स के साथ स्प्लिट करने के लिए कितना बिलोंग करना चाहिए, कॉस इनवर्स की रेंज कितनी होती है बच्चों, 0 से 5। तो अगर बच्चों कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें cos इनवर्स cos x यानी x कितना बिलोंग कर रहा है, अगर 0 से 5 बिलोंग कर रहा है तो बच्चों हम उसे डायरेक्टली x लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई भी एग्जांपल, जैसे फॉर द एग्जांपल बच्चों है कि cos इनवर्स cos 5/4 है, तो हम देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और 5/4 जो है हमारा बिलोंग करता है, तो लिखेंगे रीजन देंगे 5/4 belongs to बच्चों 0 से 5। बच्चों समझ में आया, cos inverse से cos कैंसिल क्यों हुआ, because 5/4 belongs करता है 0 से 5। तो बच्चों अगर हम देखते हैं कि 0 से 5 के बीच में अगर x belong करता है तो ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाता है। बच्चों इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल हमने लिया कि cos inverse है और cos 2π/3 है, तब भी ये आंसर आ जाएगा 2π/3। तो बच्चों देखते हैं 2π/3 बिलोंग्स करता है हमारा 0 से 5। तो बच्चों वो सारी वैल्यू, वो ऑल वैल्यूज जो हैं 0 से 5 पर बिलोंग्स करती हैं। तो बच्चों जब 0 से 5 पे x बिलोंग करेगा तो वो डायरेक्टली हमें x लिखना पड़ेगा। तो हमने एक फॉर्मूला सीट बनाई है ऑल क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है cos इनवर्स से cos x डायरेक्टली x लिख दिया जाएगा, यानी ये इससे कैंसिल क्यों हो गया, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है 0 से 90 तो इस पे बिलोंग करता है 0 से 5 पे। बच्चों यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट है 5/2 से पाई, तो 5/2 से भी पाई की सभी सारी वैल्यू इस पे बिलोंग कर रही है, देखिए ना 0 से पाई है, तो यहां पर भी हम उसे डायरेक्टली क्या लिख देंगे, cos इनवर्स cos x को डायरेक्टली x लिख देंगे। लेकिन बच्चों 0 से लेकर π/2 और π/2 तक की पाई की वैल्यू तो हम डायरेक्टली लिख देंगे, यहाँ पर x लिख देंगे, लेकिन जब थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा तब हम उसे क्या स्प्लिट करेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा तब हम उसे क्या स्प्लिट करेंगे। तो बच्चों जब थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा तो वो वैल्यू कितनी बिलोंग कर रही होगी x की, पाई से लेकर 3π/2 तक, और जब फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगी तो 3π/2 से 0 तक बिलोंग कर रही होगी। तो बच्चों 0 की जगह पर 3π/2 से वो बिलोंग कर रही होगी 2π तक, ठीक है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो बच्चों जब थर्ड क्वाड्रेंट पे बिलोंग करता है cos इनवर्स cos x, तो हम उसे इस रेंज पे लाने के लिए, 0 से पाई लाने के लिए हम उसे 2π-x लिख देंगे, यानी बच्चों कितना लिखेंगे 2π-x। सेम यार बच्चों जब वो वैल्यू 3π/2 से 2π बिलोंग कर रही होगी तो हम cos इनवर्स cos x को फिर हम उसे 2π-x लिखते हैं। तो बच्चों हम यहां देख रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमें स्प्लिट करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, 2π-x। बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट पे भी हमें 2π-x लिखना है और थर्ड क्वाड्रेंट पे भी हमें 2π-x लिखना है। तो बच्चों जरा आप थर्ड क्वाड्रेंट का कोई एग्जांपल देते हैं, हमने एग्जांपल लिया बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट का cos इनवर्स cos 5π/4। तो बच्चों ये 5π/4 नहीं होल्ड होने वाला, बिकॉज क्या रीजन देंगे, 5π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई। तो बच्चों अगर हम इसकी डिग्री में वैल्यू देखें तो 225 डिग्री होती है, यानी 225 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे है। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे अगर कोई वैल्यू बिलोंग करती है तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, cos इनवर्स cos x को क्या लिखना बच्चों, 2π-x। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी 2π-x होता है बच्चों और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी 2π-x होता है। तो अब हम इसे क्या लिखने वाले हैं बच्चों, cos इनवर्स cos 2π-5π/4। तो बच्चों क्या आंसर आ जाएगा इसका, cos इनवर्स cos ये कितना आएगा, 4 × 8, 8 − 5 यानी 3π/4। तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चों, 3π/4। तो बच्चों हमने इसमें क्या मेथड यूज किया, कौन सी शॉर्ट ट्रिक यूज करी है,
कि हमने इसमें से 2 पाई माइनस एक्स लिख दिया, तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा तो हम उसे लिखेंगे 2 पाई माइनस एक्स। अब बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक फोर्थ क्वाड्रेंट का हम एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट का हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ से 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के लिए, तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया बच्चों कॉस इनवर्स कॉस 11 पाई बाय 6। अब देखते हैं बच्चों कॉस इनवर्स कॉस एक्स से नहीं कैंसिल होगा, तो ऐसे लिखेंगे बिकॉज 11 पाई बाय 6 जो होता है वो कितनी वैल्यू होती है बच्चों 330 डिग्री। किस क्वाड्रेंट पे होगी ये? फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगी। अब बच्चों ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे है हमारी वैल्यू 11 पाई बाय 6 330 फोर्थ क्वाड्रेंट पे बिलोंग कर रही है। तो बच्चों यहाँ पर रीजन देना होगा आपको कि 11 पाई बाय 6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई। अब ये वैल्यू 0 से पाई पे बिलोंग्स नहीं करती है, तब आप इसमें भी थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे 2 पाई माइनस एक्स। तो बच्चों इसमें भी आप 2 पाई माइनस एक्स लगाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस एक्स, तो क्या बनेगा बच्चों cos inverse cos 2 पाई माइनस 11 पाई बाय 6। तो टोटल आंसर कितना बनेगा जा करके cos से cos कैंसिल हो जाएगा 6 टू द 12 माइनस 11 यानी आंसर क्या आ जाएगा पाई बाय 6। तो बच्चों हम लोगों ने यहां पर ये सीखा है कि cos inverse से cos x x जब भी ओवर होता है जब x कितना बिलोंग करता हो 0 से पाई। अगर ऐसा है कि x 0 से पाई बिलोंग कर रहा है तो बच्चों डायरेक्टली कट जाएगा, देखिए पाई बाय 4 0 से पाई बाय 4 आता है डायरेक्टली, 0 से पाई आता है डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 2 पाई बाय 3 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 से पाई के बीच में आता है। और बच्चों देखते हैं 5 पाई बाय 4 225 थर्ड क्वाड्रेंट पे बिलोंग करता है, तो ये 0 से पाई के बीच में नहीं आता, तो स्प्लिट करना पड़ेगा। और स्प्लिट करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ा बच्चों? कौन सा फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया? 2 पाई माइनस एक्स, यानी जब कोई कॉस इनवर्स पे कॉस जब कोई एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पे बिलोंग करता है तो हम उसे स्प्लिट करके क्या लिखते हैं बच्चों? क्या हम उसे लिखना चाहेंगे? 2 पाई माइनस एक्स। तो बच्चों जब थर्ड क्वाड्रेंट पे है तो 2 पाई माइनस एक्स लिखना है, और जब फोर्थ क्वाड्रेंट पे भी है तब भी हमें 2 पाई माइनस एक्स लिखना है। तो बच्चों ये रूल आपके लिए कॉस इनवर्स में कॉस एक्स को कैसे स्प्लिट करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे सीखने वाले बच्चों कि टैन इनवर्स से टैन एक्स को कैसे स्प्लिट किया जाता है। ठीक है बच्चों।